अम्मा ना मेरे जॉब के बहुत खिलाफ थी, लेकिन मुझे जॉब करनी थी तो मैंने की और मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। हाँ वैसे तुम्हें जॉब करनी चाहिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा और जब एक्सपीरियंस होगा तो तुम मेरी कंपनी भी ज्वाइन कर लेना। नहीं नहीं वो नहीं करूंगी। क्यों? अरे अब्बा आप खुद सोचें, वहां मैं बॉस की बेटी होंगी और यहाँ मैं नॉर्मल सी एम्प्लॉई हूँ, तो जो मैं यहाँ सीखूंगी ना वो वहां नहीं सीख पाऊंगे। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। आपका ध्यान कहाँ है? अरे ध्यान कहीं नहीं है, तुमसे बातें कर रहा हूँ। ये ले जी चाय पिए, आज आपको दादी कुछ नहीं कहेगी। जानी बेटा ये तुम क्या मुलाजमा से शादी कर रहे हो? अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा। आप करवाएंगे मेरी शादी? नहीं तो और शादी दफ्तर वाले कराएंगे। भाई मैं कराऊंगा ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? सुन रही है सारा बाजी, जिनकी अपनी एंट्री मैन है इस घर में, अब वो मेरी शादी करवाएंगे। चले मान लिया कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे, तो रिश्ते वालों को बोलेंगे क्या कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, बताएं? अरे मेरा तो शिनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ अभी तक। और ये सब कुछ जानते हुए भी ना नाजिया मेरे से शादी करने को तैयार है। अच्छा बात सुने, अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं ना तो मेरा एक काम कर दें। वो क्या? मेरी वल्दियत पे अपना नाम लिखवा दें। हाँ? अरे सिर्फ कागजात में, इससे फायदा ये होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ओ हेलो, मुझसे बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हाँ अरे आप क्यों अंगारे चबा रही है, मैं तो शकील साहब से बात कर रहा हूँ। अच्छा अपनी वल्दियत पे मेरे बाप का नाम लिखोगे तुम? शक्ल देखी तुमने अपनी? तो सारा छोड़ो ना। तुम्हारे दिमाग में चलता क्या? हाँ? मैंने तो एक बात कही थी, वैसे ही आप तो जान की दुश्मनी बन जाती है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे भाई जैसा है। भाई जैसा नहीं है ये, सर पे चढ़ाए हुए फजूल में इसको। आज अपनी वल्दियत पे आपका नाम मांग रहे, कल को जायदाद का हिस्सा मांगेगा तो क्या करेंगे? मजाक है कोई ये?